सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो हम इस बार खेलने जा रहे हैं बेसबॉल स्टार। तो चलिए पहले टीम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं सिलेक्ट करूँगा ईगल्स की टीम। यहाँ पे ओके करते हैं और हम लिखेंगे किंग ऑफ किंग ईगल्स। तो यार गाइस, मुझे माफ़ कर देना क्योंकि एक महीने से चैनल पे वीडियो नहीं है, क्योंकि मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे। अब चैनल पे रेगुलर वीडियोस आएंगे, दो से तीन दिन में एक वीडियो आएगा। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए हम यहाँ पे गेम शुरू करते हैं। हम खेलेंगे लीग मोड। हम सिलेक्ट करेंगे 64 गेम्स। तो यहाँ पे स्टार्ट गेम पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए ओके। हम लगाएंगे 9 इनिंग्स। चलिए प्ले बॉल पे क्लिक करते हैं और ये हमारा पहला मैच स्टार्ट हो रहा है। भाई ग्राफिक्स तो भाई कमाल के, गेम के बादल वगैरह, ऑडियंस सब अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमारी शुरुआत हो रही है गेम की और हमारी पहले बैटिंग है। तो चलें, तो यहाँ पे हम सब डोंट शो अगेन कर लेते हैं और ये पहली बॉल स्ट्राइक। चलिए कोई बात नहीं, ये भी स्ट्राइक। शॉट तो लगाया है पर आउट हो गए बल्लेबाज। मैं तो बल्लेबाज ही कहूँगा क्योंकि मैं तो एक क्रिकेट फैन हूँ। चलिए ये भी आउट। अच्छा शॉट था लेकिन वहाँ पे फील्डर मौजूद है। तो हमारे अगले बल्लेबाज स्ट्राइक। ये शॉट है लेकिन कैच है। तो यहाँ पे हमारी हो गई है बैटिंग समाप्त और हम शुरू कर रहे हैं बॉलिंग। और ये पहली गेंद, थोड़ा सा नीचे रखा और स्ट्राइक। बेसबॉल का मुझे सिर्फ एक ही नियम पता है कि 3 स्ट्राइक पे आउट होता है, वो भी मैंने कार्टून्स में से देखकर सीखा है। तो यहाँ पे स्ट्राइक आउट। थर्ड बैट्समैन इसे आउट करने के बाद इनकी इनिंग हो जाएगी समाप्त और ये इनकी इनिंग समाप्त हो गई है। हमारी फिर से आएगी बैटिंग। तो चलिए बैटिंग शुरू करते हैं। आगे गेम में एक ऐसा होम रन लगा है, वो ठीक से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर बहुत ही मज़ेदार होम रन था पहले ही मैच में। मज़ा आ गया वो शॉट देख के। और आप बोल रहे होंगे इसे ऐसा सब कुछ कैसे पता है, तो ये मैं बाद में वॉइस ओवर दे रहा हूँ, इसलिए कुछ सोचना मत। वो भाई आउट हो गया। चलो बढ़िया शॉट, सेकंड बेस भी सेफ है हमारा। हमने भागने की जल्दी की थी लेकिन सेफ है। और ये आउट हो गए। शॉट ये भी अच्छा है, कनेक्ट किया है, हाँ बिल्कुल किया है। और इसके साथ हो गया एक रन पूरा। और यहाँ पे हमने कर दी है जल्दबाजी, देखते हैं ये सेफ होता है या नहीं। वो भाई साहब, ये तो भी कमाल है। मुझे लगा था आउट हो जाएगा बल्लेबाज, ये आउट हो गए, बिल्कुल आउट हो गए।
और ये दोनों आउट होने चाहिए थे, लेकिन एक ही आउट हो गया। चलो कोई बात नहीं, तो चलिए स्लाइडर बॉल सिलेक्ट करते, देखते ये क्या है। भाई शॉट तो मारा है और सेफ भी है, कनेक्ट अच्छा किया था। ये भी शॉट बढ़िया है, तीनों बेस सेफ हैं अपोनेंट टीम के। कमबैक करना होगा, दो आउट करने हैं और ये आउट होना चाहिए, बिल्कुल आउट होना चाहिए था यार। एक एक से बराबरी पर ओपोनेंट टीम, स्ट्राइक। ओके, एक बार स्ट्राइक आउट। चलिए इनिंग्स समाप्त। फील्डिंग रिफ्लेक्सेस बहुत बढ़िया है गेम के, मतलब भागते भागते कितना भी तेज शॉट क्यों ना हो पर कैच बहुत अच्छा पकड़ते हैं यहाँ पे। ये कनेक्ट नहीं किया है, फील्डर है वहाँ पे और आउट हो गए। नाम बड़ा ही मज़ेदार था यार, कैल्फी। यहाँ पे होगा फाउल, तो चलिए ये शॉट इतना अच्छा नहीं लेकिन सेफ है। कनेक्ट किया नहीं था फिर भी सेफ है दोनों। ये शॉट बढ़िया है, यहाँ पे रन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए और यहाँ पे रन मिल गया। 2-1 से आगे हैं हम। अरे शॉट लगना चाहिए था, ये अब आउट हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन सेफ है, अच्छी बात है। तो चलिए शॉट बढ़िया है, यहाँ पे रन भी मिलेंगे। 3-1 से आगे, यहाँ पे एक और रन छुराने की फिराक में और यहाँ पे रन मिल भी जाएगा। 4-1 से आगे, दो आउट हो चुके हैं और ये तीसरा आउट हो गया। तो बल्लेबाजी समाप्त, गेंदबाजी शुरू। स्ट्राइक, तो शॉट तगड़ा है पर फाउल है। बढ़िया शॉट था, कनेक्ट भी अच्छा किया था लेकिन फाउल। ये हो गए आउट। गाइस जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा है लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, मतलब इसके आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। दो आउट हो चुके हैं हीरो ऑफ हीरो जायंट्स टीम के। तो चलिए शॉट तगड़ा, लेकिन रिफ्लेक्सेस देखिए, भागते भागते तगड़ा कैच। इस गेम की यही खासियत मुझे अच्छी लगती है। हमारी बल्लेबाजी शुरू, शॉट तगड़ा है, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे और यहाँ पे सेकंड बेस को भागेंगे और थर्ड बेस पे सेफ हो जाने चाहिए और हो गए। ये अच्छा शॉट है, हाँ बिल्कुल अच्छा शॉट है। और 5-1 से आगे हैं हम। तो चलिए शॉट ये भी अच्छा है, यहाँ पे थर्ड बेस तक भागने की कोशिश है और वो सेफ है। ओ नहीं यार आउट हो गए।
ये 9 में से 4th इनिंग चल रही है, तो मैं बीच में से अभी वीडियो को काटूंगा क्योंकि बहुत ही लंबी हो जाएगी वीडियो, वो उतना देख के आप भी बोर हो जाओगे फिर तो। ये बल्लेबाज का नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, कैल्फी वही सही नाम है। भाई देखो होम रन, इसी की मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, बहुत ही अच्छा शॉट था पर ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो सीन्स काटने के चक्कर में ये भी काटा गया, पर फिर भी आधा ही शॉट आ पाया। चलिए फिर से बैटिंग शुरू हो गया। ओ भाई अच्छा शॉट है, यहाँ पे रन भी मिलेगा, ऑडियंस भी सही है यार, और यहाँ पे आउट होंगे होंगे, 7-1 से आगे हम, यहाँ पे सेफ होने चाहिए और सेफ है नेथन। शॉट अच्छा नहीं, आउट, दोनों आउट। शॉट बढ़िया लेकिन फाउल, स्ट्राइक, मुझे लगा बॉल होगा। शॉट ये अच्छा था लेकिन ओ भाई कनेक्ट भी नहीं हुआ था, लेकिन फील्डर से कैच छूट गया। शॉट ये अच्छा नहीं और आउट। यहाँ पे रन मिलेंगे 8-1 से आगे, पहली मैच में 8 रन बना दिए हमने। और ये भी फाउल होगा, हाँ जी बिल्कुल फाउल है। एक बल्लेबाज के खड़े रहने का वो मतलब स्टाइल वगैरह बहुत अच्छा है इस गेम का, और मैंने ये बाद में नोटिस किया कि स्क्रीन रिकॉर्ड करते वक्त गेम का साउंड ही नहीं आया, तो उसके लिए माफ़ कर देना, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा गेम की साउंड आनी चाहिए वीडियो में ऐसा। तो यहाँ पर रन मिलने चाहिए जी, बिल्कुल मिलेंगे भी, 10-1 से आगे, और ये 11-1 से हो सकते हैं क्या? जी बिल्कुल 11-1 से आगे हैं, 11 रन हमने बनाए, अपोजिट टीम ने बनाया सिर्फ 1 रन, पर ये गेम असलियत में बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मैंने इसके कुछ वीडियोस देखे हैं रियल मैचेस के, बहुत तगड़ा गेम है ये तो। 7th इनिंग चल रहा है और हमने पहली एक स्ट्राइक दे दी है। ये शॉट बढ़िया है लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है और कैच पकड़ लिया है। ये शॉट उतना अच्छा कनेक्ट नहीं हुआ और आउट हो गया बल्लेबाज। अगली गेंद की तैयारी, स्ट्राइक, ये शॉट अच्छा है, फील्डर के थोड़े से पहले पड़ा टप्पा, इसलिए बल्लेबाज आबाद। यहाँ पे हो गए सेफ, और इन्होंने ही वो होम रन मारा था वुड, उनके नाम से मुझे इंग्लैंड के गेंदबाज मार्क वुड की याद आ गई। और ये शॉट अच्छा लेकिन कनेक्ट नहीं और दोनों आउट। और ये आउट होना चाहिए और ये आउट हो गए।
ये भी आउट होना चाहिए नहीं। शॉट कनेक्ट किया, मिस फील्ड वहाँ पे, लेकिन आउट हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल हो गए। अब बस एक आउट करना है और हम ये मैच जीत जाएंगे। स्ट्राइक, शॉट अच्छा, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है और पकड़ लिया है। इसी के साथ हम ये मैच जीत गए। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।